हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित वर्मा और आप देख रहे हैं स्पेशल लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ अ ट्रांसलेटिंग फ्लैट फेस फॉलोअर। कैम्स एंड फॉलोअर का ये टॉपिक है और ये स्पेशल टॉपिक इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि गेट 2020 में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया था, वो मैं कराऊंगा इस लेक्चर में और उसका डिटेल्ड एनालिसिस कराऊंगा कैसे वो प्रूफ हुआ, पूरा प्रूफ हम करेंगे उसका और उस चीजों को समझेंगे कि कैसे कैसे वैल्यूज आई है, ताकि और भी क्वेश्चन इसमें और टिपिकल क्वेश्चन है कैसे आ सकता है वो हम देखेंगे, पूरे डायग्राम से हम इसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा फ्लैट फेस फॉलोअर है उसमें हमें एनालिसिस किस चीज का करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो फॉलोअर का हमारा मोशन होता है उसको हम दिखाते हैं वाई से और ये थीटा एंगल पे डिपेंड करता है। इट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, जो कैम हमारी मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, उस पर डिपेंड करता है। और जो हम थीटा मेजर करते हैं, थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ राइज। जैसे ही फॉलोअर उठना स्टार्ट होगा, अपनी मैक्सिमम पोजीशन तक जाएगा और फिर वापस आएगा, रिटर्न करेगा, तो इस पोजीशन से हम थीटा को मेजर करना स्टार्ट करते हैं। एट थीटा इक्वल्स टू जीरो फॉलोअर का मोशन भी जीरो होता है। ओके, और थीटा इक्वल्स टू थीटा राइज मींस मैक्सिमम पोजीशन पे जो मैक्सिमम फॉलोअर का मोशन है, लेट इट बी एल। तो हम जैसे मैंने आपको बताया ट्रांसलेटिंग फॉलोअर को हम कर रहे हैं, तो इसका हमने इसलिए कितना लीनियर इसने मूवमेंट करा वो मैक्सिमम वैल्यू हम इसमें पता करते हैं। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमें निकालना क्या है, हमें बेसिक डायमेंशन ऑफ द कैम निकालनी है, बेसिक डायमेंशन ऑफ कैम। ओके, वो कैसे निकलेगी, वो होगी हमारी बेस सर्कल ऑफ कैम, और जितना कम बेस सर्कल होगा उतनी कैम की साइज, लिए हम इसमें मिनिमम बेस सर्कल लेते हैं, आरबी से डिनोट करते हैं, उतना ही हमारा कैम साइज मिनिमम होगा, उतने ही एरर्स कम होंगे। ओके, इसीलिए हम क्या करते हैं, आरबी की वैल्यू मिनिमम लेते हैं, और बहुत सारी चीजें पे डिपेंड करता है, प्रेशर, एंगल, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, आप मेरी लेक्चर सीरीज देख सकते हैं कैम्स एंड फॉलोअर की, मैंने पूरी इसमें 10-12 लेक्चर्स इसमें बनाए हैं, उसमें आप जाके देख सकते हैं कैसे बेस सर्कल पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डिपेंड करती है। ओके, और दूसरी चीज इसे इसेंट्रिसिटी जिसे हम कहते हैं, या और अच्छे से बात करें तो उसको ऑफसेट बोलते हैं, ऑफसेट ऑफ फॉलोअर। ओके, ये भी मैक्सिमम अलोएबल होना चाहिए, मैक्सिमम अलोएबल इसेंट्रिसिटी हमारे पास होनी चाहिए। इसके बाद होगी तब स्ट्रेसेस ज्यादा लगने लगती हैं और जाम होने लग जाता है, वो जो कैम्स एंड फॉलोअर का जो सिस्टम है, जैमिंग होने लगती है उसके अंदर। अगर इस वैल्यू एक पर्टिकुलर, इसको हम बोलते हैं एप्साइलन मैक्स से डिनोट कर देंगे, आरबी मिनिमम से करेंगे। अब ये जो मिनिमम वैल्यू है बेस सर्कल की, आखिर ये किस पे डिपेंड करती है, ये चीज हम देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको इसमें डायग्राम दिखाता हूं, ये टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही ड्रॉ किया हुआ। तो जैसे मैंने बताया वाई थीटा ये हमें गिवन होता है, इसेंट्रिसिटी मैक्सिमम, एक टर्म आएगी अब जो मैं आपको अच्छे से आपको बताना है, रो मिनिमम, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये वैल्यू भी मिनिमम होनी चाहिए, उसका रीजन क्या है कि जब, अगर मैं आपको बता दूं कि मान लो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, अभी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, और ये हमारा फ्लैट फेस है, फ्लैट फेस के लिए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगा, और मान लेते हैं इस कर्वेचर के लिए रो है, तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे
ये जो हमारी स्ट्रेस वैल्यू है, अलोएबल स्ट्रेस वैल्यू है, वो इस रो पे डिपेंड करती है। और जितना कम रो होता है, देखो वो तो मैं अब नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पर इनके बीच की रिलेशन, लेकिन मैं बता देता हूँ जितना कम रो होगा उतनी कम आपकी स्ट्रेस लगेगी। तो मिनिमम हम इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर लेके चलते हैं सो दैट कि हमारा जो अलोएबल स्ट्रेस में रहे, जो स्ट्रेस लेवल है अलोएबल रहे, लिमिट स्ट्रेस लिमिट में रहे और उसमें फेलियर ना हो। ओके, इसी वजह से हम जो कॉन्टैक्ट स्ट्रेस लेवल है वो हमारा डिसाइड करता है क्या कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या डिसाइड करें, कॉन्टैक्ट स्ट्रेस। इसीलिए रो मिनिमम इज प्रिस्क्राइब्ड। साथ में आप इसको नोट करें अपने नोट्स में, ये जल्दी से किसी बुक में नहीं मिलेगा। ओके, तो देखिए ये डायग्राम आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये फ्लैट फेस का फॉलोअर है, ये हमारी कैम प्रोफाइल है। ये जो मैंने आपको ये जो एक्सिस है कैम, ये जहां से रोटेट करती है ये दिखाया है मैंने, इसमें बेस सर्कल बनाया, ये देख सकते हैं आप, ये जो डॉट डॉट से ये हमारा बेस सर्कल है और ये कैम प्रोफाइल है अपने। ओके क्लियर, ये जो ये फॉलोअर की एक्सिस है, कैम की एक्सिस है और ये बीच का ये क्या है, इसेंट्रिसिटी है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है हमारी, है ना, जो कैम की है, और इसके जस्ट अपोजिट में हम इसेंट्रिसिटी लेते हैं, हमें पता है पहले ही। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात कि जब ये पॉइंट एस, ध्यान से देखना, जब ये पॉइंट एस वर्टिकल होगा, मतलब ये पॉइंट यहां पर होगा, तब वो मिनिमम पोजिशन ऑफ फॉलोअर है। देख रहे हैं आप, इस पॉइंट पे मिनिमम पोजीशन है फॉलोअर की, इस पॉइंट पे आके जब ये एस पॉइंट क्या होगा, वर्टिकल होगा और ये एंगल एक तरह से कह सकते हैं थीटा जीरो होगा। क्लियर, थीटा जीरो पे जैसे मैंने बताया ही था। ओके, वाई भी जीरो होगा। तो ये चीज हम मैं पूरी चीज बताऊंगा कि क्या क्या हमने माना था, कि आप डायग्राम को बनाए अच्छे से, लेक्चर को पॉज करके आप डायग्राम को बना सकते हैं, उसके बाद समझ सकते हैं। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने आपको बताना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा हम मान के चलेंगे, ये देखें यहां पर, क्योंकि यहां पर कॉन्टेक्ट है इसका, ये एक पूरा रेडियस है, हम मान के चलेंगे ये जो ओसी है इस पॉइंट के अबाउट ये सर्कल बना है, और ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये जो O2 से लेके ये पॉइंट C है ये रेडियस है, यही रेडियस है, इसी रेडियस को हम मान के चलेंगे। ठीक है, सेकेंडली ये पॉइंट OC, C पॉइंट और एक ये पॉइंट जो O2 है, ये तीनों पॉइंट हम मान के चलते हैं कि ये फिक्स रहते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलरली इंस्टेंट पे, टाइम इंस्टेंट पे ये तीनों पॉइंट क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है चेंज नहीं होता है। तो यानी कि ओ टू सी क्या है, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ध्यान से देख रहे हो ना, तो ये हमने रो से डिनोट किया है। क्लियर, कोई चीज ऐसे कोई इसमें कोई चीज नहीं बची हमारे पास। हाँ, एक और बात, ये एंगल थीटा है और यहां से लेके ये पूरा एंगल ये साई है हमारा। क्लियर, अच्छा एक ये आप देख रहे होंगे, ये भी इसेंट्रिसिटी है जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर से फॉलोअर की एक्सिस पे है। क्लियर, इस पे ये इतना डिपेंड नहीं करता, ये मेनली इस ई पे डिपेंड करता है। क्लियर, अब हम पूरा मैथमेटिकल इसमें एनालिसिस करेंगे, तो मैं यहीं पर ही बता देता हूं, उसके बाद मैं खुद आपको बताने शुरू करूंगा कि ये जो रो की वैल्यू है, ये डिस्टेंस, ये किसके बराबर होगा। ये तीन जगह पे बटा है, देखो, एक तो ये दिस प्लस दिस, तो इन तीन पॉइंट्स पे ये डिपेंड करता है, और किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे ये वैल्यू फिक्स रहती है। ठीक है, अगर मेरे को इसकी क्या मिनिमम वैल्यू लेनी है, तो ऑब्वियसली मेरे को इसमें डिफरेंशिएशन वगैरह लगाना होगा। ठीक है ना, वो हम अभी देखेंगे, बट देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, दिस और ये वैल्यू कितनी है, जितना बेस सर्कल है, देखो ये आरबी है, बेस सर्कल है, ये बेस सर्कल है, तो ये आरबी प्लस, ये डिस्टेंस कितना है, वाई है,
मैंने बताया ना किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट थीटा पे हमने ये लिया प्लस ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस ओ टू सी है, ओ टू इंटू ओ सी, और इसका क्या ले लेंगे हम ये, और ये वाला एंगल क्या होगा अगर आप ये पूरा साई है, यहां से ध्यान से देखें ये वाला पूरा एंगल साई है, ये 90 डिग्री है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 90 माइनस साई, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहां पर इसके हिसाब से, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगा क्योंकि ये एंगल है ओ टू सी साइन साई माइनस पाई बाय टू, क्लियर, पूरा एंगल साई है उसमें से पाई बाय टू मैंने घटा दिया तो एंगल साई माइनस पाई बाय टू आ जाएगा, ये रो की वैल्यू हमारी आई, क्लियर। देखिए मैं यहां पर आपको अलग से इसमें करके बताता हूं, तो हमारी जो रो की वैल्यू आई है देखिए, अब ये क्या है, मैंने क्या बताया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हम पहले ही मान के चलेंगे चेंज नहीं होगा किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ये मेन बात है। अच्छा अब ये अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लू, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और 90 माइनस साई क्या होगा कॉस हो जाएगा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस साई। अच्छा एक और बात, जैसे मैंने बताया ये तीनों पॉइंट चेंज नहीं होते, तो इसका मतलब क्या है कि ये जैसे ये मैंने बताया थीटा प्लस साई, ये पूरा जो ये वैल्यू है ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्या रहेगी, जैसे जैसे ये कम होगा तो ये इधर की साइड बढ़ता रहेगा, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने बताया कि ये जो थीटा प्लस साई है ये हम मान के चलते हैं कॉन्स्टेंट है, थीटा प्लस साई ये कॉन्स्टेंट कांस्टेंट, तो आप किसी को भी एक तरफ कर दीजिए ठीक है, और उसका डिफरेंशिएशन ले लीजिए, तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन करने के बाद ऑब्वियसली ठीक है ना, क्योंकि इसका तो जीरो हो जाएगा, तो यहां से डी साई अपॉन डी थीटा की वैल्यू माइनस वन हो जाती है। देखो एक और बात, आपको लग रहा होगा ये थोड़ा आएगा एग्जाम में, लेकिन अगर हम चीजों को ऐसे समझेंगे प्रूफ तो लंबे टाइम तक याद रहता है, ये मेंस में आ सकता है बिल्कुल ये क्वेश्चन ठीक है, और इस कंसेप्ट पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं ठीक है, तो इसलिए हम चीजों को ऐसे पढ़ना चाहिए। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, अब मैं आपको बताऊं यहां से आप वाई की वाई वैल्यू इधर को कर दीजिए यहां से, क्योंकि ये वैल्यू तो कॉन्स्टेंट है ना, तो और ये भी हमने कांस्टेंट मानी है, तो ये वाली वैल्यू उधर चली जाएगी ठीक है, तो वाई बराबर यहां से कितना आ जाएगा माइनस, यहां से ले लीजिए चाहे तो ओ टू ओ सी कॉस फाई, यहां से तो चला जाएगा ऑब्वियसली, ये वैल्यू भी आएगी माइनस आर बी माइनस रो जो भी आएगा इधर के थर्ड प्लस रो ये आएगा, लेकिन अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं y डॉट या इसको बोल दो dy वाई बाय टी थीटा अगर मैं निकालू, तो ये तो कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ओ टू ओ सी, इसका क्या हो जाएगा माइनस साइन फाई फिर फाई या साई, और इसका क्या हो जाएगा डी साई बाय डी थीटा, इसकी वैल्यू मैंने अभी कितनी निकाली माइनस निकाली, तो डी साई बाय डी थीटा कितना आ जाएगा, ये माइनस वन हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया ओ टू ओ सी साइन फाई, और इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम, तो कितना आ जाएगा डी टू अपॉन डी थीटा स्क्वायर ओ टू ओ सी साइन फाई का क्या हो जाएगा कोस फाई, और फिर साई का क्या करेंगे डी साई वाई डी थीटा, और इसकी वैल्यू माइनस वन हो जाएगी ठीक है, तो डी टू वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू इसकी वैल्यू माइनस वन हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा माइनस ओ टू ओ सी कोस साई, ये क्या चीज है, ये एक्सिलरेशन है, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वेलोसिटी आ जाएगी, और एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये एक्सिलरेशन आ जाएगा,
तो यहां पर अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है, अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो ये भी वैल्यू आपको मिनिमम रखनी होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू आई कितनी यहां से सॉल्व करके, ये देखिए यहां पर आप ये वैल्यू रख सकते हैं बड़े आराम से कि माइनस की ये वैल्यू पूरी पूरी एक्सिलरेशन के बराबर आती है। तो रो इक्वल्स टू आर बी प्लस वाई प्लस, चाहे तो इसको आप वाई डबल डॉट लिख दीजिए और इसको थीटा, और क्योंकि फंक्शन ऑफ क्या है ये थीटा के। तो मुझे अब एक बात बताइए, अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है, अब किस पे डिपेंड करता है, अगर आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए तो क्या चीज मिनिमम होनी चाहिए, ये वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। अगर ये मिनिमम होगी तो ये दोनों भी ऑटोमेटिकली मिनिमम होगी। तो ये हमारी जो इक्वेशन है, ये मेन इक्वेशन है जहां से हमारे क्वेश्चंस एक से एक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो सकते हैं। ओके, और उसी से हम जज करेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन हमारी मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर की आई है। इसी के बेसिस पे देखिए मैं आपके 2020 का फोरनून सेशन का 2 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे आप कमेंट में मेरे को बताएंगे, तो इससे जो अगला टॉप मतलब इसी में जो अगला टॉपिक है सेंट्रिसिटी पे डिपेंड करना, वो भी मैं सेम उससे कराऊंगा, ताकि नेक्स्ट ईयर अगर इसी पे क्वेश्चन आए सेंट्रिसिटी के ऊपर भी आ सकता है, और आपको लगेगा कि आपको इसको क्रैम नहीं करना पड़ा इस इक्वेशन को, आपको कैसे वो सॉल्व करा, कैसे हमने तीनों चीजों को कांस्टेंट रखा, एसर्सन रीजन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है ईएससी में। ओके, तो इसलिए मैंने ये करा है, बहुत अच्छा टॉपिक था। अब ये इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम गेट 2020 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी मैंने पहले से ही नोट करके रखा है सो दैट की टाइम कम से कम लगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, कैम विद अ ट्रांसलेटिंग फ्लैट फेस फॉलोअर इज डिजायर टू हैव अ फॉलोअर मोशन। ये वाई की जो वैल्यू है थीटा पे इस टाइप से डिपेंड कर रही है। कॉन्टेक्ट स्ट्रेस कंडीशन, देखो यहां पर भी वही बात आई, डिक्टेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कैम प्रोफाइल शुड नॉट बी लेस देन 40 mm एनी वेयर। मैंने बताया ना, मैंने जो वो बात वहां पर नोट करी, इसने क्वेश्चन में दिया कॉन्टेक्ट स्ट्रेस ने डिसाइड कर दिया कि भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर इससे ज्यादा ना हो, मतलब ये मिनिमम वैल्यू दे दी एक तरह से। द परमिसिबल बेस सर्कल रेडियस शुड बी, अब आप बताओ इक्वेशन में निकाली, अगर हम वाई की मिनिमम वैल्यू और एक्सिलरेशन की मिनिमम वैल्यू निकालें, वहां पर उस इक्वेशन में पुट करें, एकदम से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है, गेट में रिसेंट ईयर्स में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, और सबसे पहले देखते हैं, तो देखते हैं इक्वेशन यूज कैसे थी हमारी। रो मिनिमम इक्वल्स टू आर बी मिनिमम प्लस वाई प्लस वाई डबल डैश, ये वाई के ऊपर डबल डॉट लगा दीजिए, और थीटा के फंक्शन है ये, इनकी हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो आर बी निकालना है मुझे, तो वो कितना हो जाएगा, रो मिनिमम माइनस y थीटा प्लस y डबल डैश थीटा। ओके, इसकी वैल्यू तो देखो मेरे को 40 दी है, इसको बाद में देखते हैं। देखिए y की वैल्यू हमें क्या दी है, एक बात बताओ y की भी मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, कैसे आएगी मिनिमम वैल्यू, थीटा की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि इसकी वैल्यू मिनिमम आ जाए। तो थीटा की वैल्यू मिनिमम रखने के लिए अगर आपको इसको y की मिनिमम वैल्यू, आपको डबल डिफरेंशिएशन करना होगा इसका, ठीक है, और पहले तो आप y की जगह y से आप y डबल डैश निकाले, उसके बाद देखते हैं ना y डैश थीटा कितना होगा अगर एक बार आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। 4 तो बाहर ही रखते हैं, 2π - 2θ, एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका, तो ये तो 0 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा,
तो यार ये जो वाई डबल डैश है ये तो फिक्स ही वैल्यू आ गई, ये तो -80 हो गया, तो खत्म है ना। ये तो वाई डबल डैश की वैल्यू -8 होगी और ये कांस्टेंट वैल्यू है तो ये तो हम रखेंगे ही रखेंगे। अब हमें वाई थीटा की वैल्यू चाहिए कि वाई थीटा की वैल्यू मिनिमम क्या होगी। तो यहां से अगर आप देखें तो यहां पर आप देखिए, अगर वाई थीटा की वैल्यू अगर हम 0 डिग्री रखें, 0 रखें, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, वाई विल बी मिनिमम एट थीटा इक्वल्स टू 0। तो आप रखिए 0 रखिए, यहां पर यहां भी 0 रखिए, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तरह से 0 हो जाएगी। क्लियर। अब ये तो हमने वैसे ही चेक कर लिया इसमें, है ना। अगर आपको करना है आप एक बार डिफरेंशिएशन करके उसको 0 रखे, मैक्सिमम मिनिमम से भी निकाल सकते हैं, वाई की वैल्यू 0, ठीक है, उस पे मिनिमम वैल्यू आएगी। अब देखिए हमने इक्वेशन निकाली थी जो आरबी मिनिमम की वैल्यू आई थी, ये मैंने आपको यहां पर बताया, ये वैल्यू 40 है माइनस, इसकी वैल्यू 0 आई है और इसकी वैल्यू कितनी आई है, -8 आई है। क्लियर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 48 mm आ जाएगा। तो यानी कि आरबी की वैल्यू कितनी आ गई, 48 mm। कुछ और भी इसमें घुमा सकते हैं, क्वेश्चन की जो इक्वेशन है वो अलग दे सकते हैं, वाई में अलग से निकलवा सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम का इस्तेमाल करा सकते हैं, बट ये इक्वेशन इस प्रकार आई है। ओके, तो लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं, और अगला टॉपिक हमारा क्या होना चाहिए कि वो भी कमेंट में बताएं मेरे को, मैं कोई भी नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूं। ओके, जिस तरह से मेरे को कमेंट मिलेंगे मैं उस हिसाब से सब्जेक्ट को स्टार्ट करूंगा। ओके, तो लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।